स्टूडेंट्स, आज हम लोग गीतांजलि का जो सॉन्ग नंबर 103 है उसको पढ़ेंगे, और जिसे हम इन वन सैल्यूटेशन टू दी टाइटल के नाम से भी जान सकते हैं। और ये जो गीतांजलि सॉन्ग नंबर 103 है, ये क्लास 10th में स्पेशल इंग्लिश में चैप्टर नंबर 21 भी है, और साथ ही साथ एमपी टेट में गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कंपोजिशन है वो एमपी टेट के लिए भी दिया गया है। तो ये दोनों लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो पोएम्स को एंजॉय करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा कंपोजिशन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम बहुत कुछ पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था सॉन्ग नंबर 1 के ऊपर बनाया था, और वो काफ़ी अच्छा वीडियो भी रहा और काफ़ी व्यूज़ भी हैं उस पर, और अच्छा अभी भी देखा जा रहा है। तो बिल्कुल उसी की तरह हम सरल भाषा में और अच्छी तरीके से इसे भी समझेंगे, और उसमें मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट में फिर से मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनको जो टाइटल, उनको जो उपाधि दी गई है वो गुरुदेव की भी दी गई है, और वो एक बंगाली पोएट थे। उनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ था, और उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ, और उनकी जो डेथ थी, मृत्यु थी, वो 7 अगस्त 1941 में हुई थी, और जन्म और डेथ जो दोनों ही वो कोलकाता में ही हुई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है, ऐसा कहा जाता है, या जो उन्हें नोबल प्राइज मिला था 1913 में लिटरेचर के लिए, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले एशियन भी थे जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज दिया गया था उस समय 1913 में, वो पहले एशियन थे। तो जो ये जो नोबल प्राइज है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है गीतांजलि जो सॉन्ग है, इनका सॉन्ग ऑफरिंग्स जिसे कहा जाता है, भगवान के लिए जो उन्होंने अपने गीत प्रस्तुत किए थे, तो वो जो थे ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में थे। तो फिर उसका जो ट्रांसलेशन है वो WB Yeats, जो कि जिन्हें हम विलियम बटलर यीट्स कहते हैं, जो एक आयरिश पोएट हैं, आयरिश कवि हैं आयरलैंड के, उन्होंने इनका जो है ट्रांसलेशन किया था, इंग्लिश वर्जन किया था, तब उन्हें जो है नोबल प्राइज उससे पहचान मिली, और उसके बाद उन्हें नोबल प्राइज दिया गया था। तो आते हैं, जरा हम देखते हैं सॉन्ग नंबर 103 की एक्सप्लेनेशन, इसका अर्थ। तो यहाँ पर देखना है, इन वन सैल्यूटेशन टू दी माय गॉड, लेट ऑल माय सेंस स्प्रेड आउट एंड टच दिस वर्ल्ड एट द फीट। इन वन सैल्यूटेशन टू दी, इसका अर्थ है कि हे प्रभु, माय गॉड, हे प्रभु, आपको मेरा जो है वो प्रणाम है। सैल्यूटेशन यानी प्रणाम या अभिवादन है, आपके लिए मेरा अभिवादन है या आपको मेरा प्रणाम है मेरे प्रभु। लेट ऑल माय सेंस स्प्रेड आउट, कि हे प्रभु, मेरे जो सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, उनको स्प्रेड आउट, उनको इतना विस्तृत करो, इतना फैला दो कि मुझे जो है वो सभी चीजों का, सच्चाई का और वास्तविकता का, जो जीवन का यथार्थ है, उसका ज्ञान हो जाए। तो ऑल माय सेंसेस स्प्रेड आउट, मेरे सभी ज्ञान चक्षुओं को, इंद्रियों को स्प्रेड आउट कर दो, फैला दो, उनमें ज्ञान भर दो। एंड टच दिस वर्ल्ड एट द फीट, और इस संसार को अपने चरणों में ले लीजिए। टच दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को अपने चरणों को छूने दो, या अपने चरणों में ले लीजिए, या जगह दे दीजिए। लाइक ए रेन क्लाउड ऑफ जुलाई हंग लो, ठीक वैसे ही, लाइक ने की तरह, ठीक वैसे ही, यहाँ पर सिमली बताई जा रही है, लाइक और एज से तुलना कर रहा है जो पोएट है, और वो किससे कर रहा है, बादल से कर रहा है, वो भी जुलाई के महीने में जो बादल होते हैं बरसात वाले काले घने, उनसे वो तुलना कर रहा है। तो उनके जो लाइक रेन क्लाउड ऑफ जुलाई हंग लो, और ठीक उसी प्रकार से कीजिए जैसे कि रेन क्लाउड, जो बरसाती बादल होते हैं, क्लाउड यानी बादल, ऑफ जुलाई,
जुलाई महीने के हंगलो, वो नीचे की तरफ लटकते रहते, लटकते हैं मतलब जब बादल पानी से भरा होता है, काला होता है, तो वो जो है काफी पास नजर आता है, तो जो पानी बरसाने के बाद बादल जाता है तो वो हल्का होकर ऊपर उठ जाता है। तो ठीक उसी तरह वो कह रहे हैं कि जैसे कि जो बरसाती बादल होते हैं जुलाई महीने के, वो नीचे चलते हैं, हंग लोगों ने नीचे चलते हैं विथ इट्स बर्डन, और किसके कारण चलते हैं, इट्स बर्डन, इसमें वजन होने के कारण, भार होने के कारण, पानी का जो भार होता है उसके कारण वो नीचे चलते हैं, ऑफ अनसेट सोवर, और क्यों चलते हैं, क्योंकि जो उनकी जो बारिश होती है, सोवर्स जो बारिश होती है वो अनसेट बिना बरसी हुई रहती, मतलब उनके अंदर पानी भरा होता है, इस कारण से वो नीचे चलते हैं। लेट ऑल माई माइंड बेंड डाउन एट दैट डोर, ठीक उसी प्रकार से मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा जो मन है, मस्तिष्क है, दिमाग है, उसको भी बेंड डाउन यानी झुका दीजिए एट दैट डोर, अपने दरवाजे पर, मेरे मस्तिष्क को, मेरे दिमाग को, मन को अपने दरवाजे पर, अपने दर पर झुका दीजिए। इन वन सैल्यूटेशन टू दी, इसलिए हे प्रभु आपको मेरी तरफ से एक सादर प्रणाम है, या आपको मेरी तरफ से एक अभिवादन प्रस्तुत है। सैल्यूटेशन यानी अभिवादन या प्रणाम। लेट ऑल माय सॉन्ग्स गेदर टुगेदर देयर डाइवर्स स्ट्रेंथ्स इनटू अ सिंगल करंट एंड फ्लो टू अ सी ऑफ साइलेंस इन वन सैल्यूटेशन टू दी। आगे की लाइनों में देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहना चाह रहे हैं। लेट ऑल माय सॉन्ग्स, कि जितने भी मेरे सॉन्ग्स हैं, जितने भी गीत हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं, संगीत हैं जो आपके प्रार्थना में मैंने बनाए हैं, या जो भी और संगीत मैंने बनाए हैं, गेदर टुगेदर, उनको इकट्ठे कर दो, गेदर टुगेदर ने एक दूसरे में मिला दो, समाहित कर दो, देयर डाइवर्स स्ट्रेंथ्स इनटू अ सिंगल करेंट, और उनको डाइवर्स, उनकी जो विभिन्नता है, अंतर है उनमें, अलग अलग है वो, उन विभिन्नताओं को स्ट्रेंथ्स इनटू अ सिंगल, स्ट्रेंथ्स ने एक धार में कर दो, इनटू अ सिंगल, और वो भी कैसी, एक सिंगल धार में उन्हें कर दो, उन सभी गीतों को एक सिंगल धार बना के बहाओ या उन्हें चलाओ, करंट, करंट ने सिंगल करंट मतलब एक फ्लो में, एक करंट में, एक प्रवाह में चले मेरे सभी गीत मिलकर, एंड फ्लो टू ए सी, और वो जाके कहाँ मिले, फ्लो यानी बहे, कहाँ पर जाके बहे वो, या कहाँ पर जाके बहे, टू ए सी, एक सागर में, समुद्र में जाके भरे, जाकर मिल जाए, और वो भी किसका समुद्र हो, ऑफ साइलेंस, शांति का, शांति का जो समुद्र है उसमें जाकर मेरे सभी संगीतों को मिलाकर एक करंट, एक फ्लो में बहाकर उसमें मिला दीजिए, इन वन सैल्यूटेशन टू दी, और इसके लिए प्रभु आपको मेरा सादर अभिवंदन है या प्रणाम है। लाइक ए फ्लॉक ऑफ होमसिक क्रेंस, यहां पर फिर से वो तुलना कर रहा है, सिमिलीज है यहां पर, और वो किससे तुलना कर रहा है, जैसे कि एक फ्लॉक है ना, झुंड, होमसिक ऑफ होमसिक क्रेंस, उस क्रेंस ने उन सारसों का जिन्हें घर की याद आती है, होम स्टिक लिखा है यहां पर, टी जो है वो गलत प्रिंट है, तो होमसिक ने जिन्हें घर की याद आती हो, उन सारसों का जो झुंड है वो फ्लाइंग ने उड़ता है नाइट एंड डे, और कैसे उड़ता है, नाइट एंड डे, रात और दिन बिना रुके उड़ता है, बैक टू देयर माउंटेन, और क्यों उड़ता है, ताकि वो बैक ने वापस आ चुके हैं, वापस आ सकें, टू देयर माउंटेन, उनके पर्वतों पर, उन पर्वतों पर जहां पर उनके नेस्ट यानी घोंसले बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, वहां के लिए वो लगातार बिना थके और कठिन परिश्रम से उड़ते रहते हैं। तो लेट ऑल माई लाइफ टेक इट्स वॉयज, ठीक उसी तरीके से मेरा जो जीवन है उसे टेक इट्स वॉयज, वोयाग, उसे उसे भी उसी तरीके की यात्रा करवाइए जिस तरीके की ये सारस लोग कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थके, और एक सच्चे मन से वो यात्रा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार की जो यात्रा है वो मुझे भी करवाइए, टू इट्स एटर्नल होम, और वो कहाँ के लिए करवाइए, टू इट्स एटर्नल होम, इसका जो अनंत घर है, मतलब मेरे जीवन का जो अनंत घर है, मतलब जो भगवान के चरण, यानी कि मृत्यु के बाद जब वो कवि है वो कह रहा है कि जो संसार का सत्य है, भगवान के पास जो जाना है, तो उनके चरणों के लिए या उनके पास जाने के लिए मुझे भी इस प्रकार की यात्रा करवाइए,
क्योंकि उसके बाद जो मैं मेरा जीवन है वो कहाँ जाएगा, किसके यात्रा करके कहाँ जाएगा, एटर्नल होम, उसके एटर्नल होम वास्तविक या उसके जो सच्चा घर है वहां पर वो पहुंचेगा। ठीक है, इन वन सैल्यूटेशन टू डू दी, और इसके लिए आपको मेरा अभिवंदन है और प्रणाम है। तो ये थी रविन्द्रनाथ टैगोर की ब्यूटीफुल कंपोजिशन, बहुत ही अच्छी कंपोजिशन थी, और इसे एक्सप्लेन करने में भी बहुत अच्छा लगा, और इससे काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग सीख भी रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।